It's not about only one movie. Yes, sir. No, this movie is going so hit. Like today, you saw that n number of people are coming and they are giving you such a good review. What you would like to say? No, I'm very happy. And today was special for us because today I met Paps ke families ko bhi mila hu. और उनको फोटोग्राफर्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग थी उसके पीछे कोई रीजन यही है मैं बताता रहा हूं जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं सारा दिन भागते रहते हैं काम करते रहते हैं उनके घर वाले भी तो सोचते होंगे कि किन के लिए कर रहे हैं सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको दिखाया जाए उनकी फैमिलीज को और अभी जितनी नहीं आ पाई उन सबको दोबारा बुलाएंगे well, हमेशा से देखा है आपका जो भी स्टोरी कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लोगों को सिखाता ही है तो कैसे ढूंढ पाते हो लगे डायरेक्टर साहब कैसे ढूंढी आपने ये कहानी बस लिख ली 10 महीने की राइटिंग सर विद्युत जी जी जिस तरीके से इसमें देखा गया है कि आपने भी थोड़ा सा श्रेय दे दिया एक्शन के लिए तो कितना मतलब आपको डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग लगा रहेगा नहीं मज़े तो बहुत आए हैं एक्शन करने में मज़े आते हैं और अक्सर मुझे पता होता है मैं क्या कर सकता हूँ तो इस बार डायरेक्टर साहब ने जिम्मेदारी दी उन्होंने कहा जो जो कर सकते हो करके दिखाओ देसी स्टाइल से जो मज़े जिसमें आए थे जिसमें वो मुँह मेरा मिट्टी के अंदर जाता है ना पूरा फेशियल हो गया 2-3 बार में सो बहुत मज़ा आया उसमें लास्ट में एक हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने गले में मुझे डाला और ब्लडिंग का जो आता है कॉन्सेप्ट क्या लाइक नहीं एक्चुअली जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि जिसने रेपिस्ट का क्या करना चाहिए हमें तो पता नहीं सरकार क्या कहती है लोग क्या कहते हैं उस टाइम हमें लग रहा था कि अगर इतनी बेदर्दी से किसी बच्चे के साथ कुछ किया जाए तो उसको कैसे सजा दी जाए तो डायरेक्टर साहब ने सोचा जितनी बुरी तरह से मारा जाए वही किया जाए सो आई थिंक लोगों को पसंद आया बात करें तो कुछ सालों में ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले उससे रिलेटेड ये मूवी बनी है क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला हाँ सोशल मैसेज स्ट्रॉन्ग है फिल्म का अभी हम लोग हर दिन तो पेपर में सुनते रहते हैं कि ये सब इंसिडेंट्स होते हैं तो फिल्म में वो सोशल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया में हर दिन हमें सुनने मिलता है तो आइडिया यही था कि इस विषय को थोड़ा सीरियसली लोगों के सामने एक एंटरटेनिंग तरीके से रखा जाए ताकि आपके दिल को छुए बात फारूक जी एज ए डायरेक्टर एक ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन जो आपको बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग लगा हो पूरे मूवी में अगर आप बच्चे से पूछेंगे उसकी सीधी आँख ज़्यादा अच्छी लगती है या उल्टी आँख तो क्या जवाब देंगे आप सब कुछ अच्छा लगता है अपने बट हाँ एक सीन था जहाँ विद्युत खेत में वो लड़के को मारते हैं जिन्होंने इनकी बेटी के साथ वो हरकत की है उस सीन में ये बेहोश भी हो गए थे सीन करते करते वो बड़ा इंटेंस रात थी हमारी शूट करने की तो वो मुझे हमेशा याद रहेगी सर बात करें हम चैप्टर 3 के बारे में उसके बारे में क्या कुछ पंडित जी यही है यही बताएंगे कि फ्यूचर में होएगा अभी 10 साल एज होना पड़ेगा उसके बाद यहां पे कुछ ऐसी फैमिली थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम थिएटर एक्सपीरियंस किया वो भी आपके मूवी से सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है वो एक हमारे कैमरामैन की मदर थी और उन्होंने कहा मैं पहली बार जिंदगी में थिएटर आई हूं आई थिंक हमारे लिए क्या खुश मैंने उनको बोला कि मम्मी आप हमारे लिए लकी हैं सो बहुत खुश है बट थैंक यू गाइस फॉर कमिंग आई लव यू
भाई हाथ मत लगा भाई, फोटो हाथ मत लगाओ कोई, आज इन्हीं को दे लेना है, आ जाइए। कैसी लगी फिल्म वैसे? बवाल बवाल, आग लगा दी, आग लगा दी, बारिश में भी आग लगा दी। आपके स्टंट देखने में मिले थे सर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाई, भाई चैप्टर 3 का भी आ रहा है। डायरेक्टर साहब जवाब दीजिए, फारूक भाई थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठाकुर तो गयो ये बचा अभी से बचा फोटो के लिए। कौन रह गए? भाई हम कैमरामैन रह चुके हैं अभी। मम्मी आजा, rajawa.com आजा सागर भाई, जल्दी आओ ना सर, सर सर कहाँ है फैमिली आपकी? यही फैमिली है, आप भी हैं? हाँ ले लो यार, मदद तो कर सकते हैं। दिख रहा नहीं, अम्मी कहाँ है? जल्दी बुला, हो गया। थैंक यू सर, विदिशा 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 चलो दादा दादा आने आने दो ना, आने दो ना, विदिशा 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 विदिशा, एक फोटो खाली मेरे मेरे फोन में, मेरे फोन में। दिल्ली तो आया हूँ मैं भाई, जा रोज रोशन जाओ, आ रहा हूँ बेटा, जाओ साथ में खड़े हो जाओ। हाँ मम्मी क्या बोल रहे थे आप, पहली फिल्म देखी हो? थिएटर में देखना। मम्मा यहाँ देख, आ रहा हूँ, चलो थैंक यू विद्युत जी, विद्युत जी डॉक्यूमेंट करा, विद्युत जी मैंने लिया, आप ले लिया, यहाँ पे, यहाँ पे जल्दी जल्दी, थैंक यू विद्युत, थैंक यू। Thank you.